धन्यवाद आप लोगों का। मुझे 70 साल के इतिहास में पहली बार पूरी टीम हमारी निर्विरोध चुनी गई है, उसके खिलाफ किसी नए नामांकन पत्र नहीं भरा। ऐसा लगता है कि शायद हम अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं तो लोग आगे भी चांस देते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि निर्विरोध का सिलसिला जारी रहे और हम अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद। कलाकारों के लिए फ्लैट सस्ते रेट में मुहैया हो रही है, तो पत्रकारों के लिए भी कुछ जगह बनाया आपने? हाँ, मैंने बिल्कुल इस बात को कहा है कि पत्रकार हमारे मेंबर हैं, पत्रकार हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हम लोगों की पहचान है, पत्रकार के बगैर हमारा कोई पहचान नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान करूँगा कि हमारे यहाँ फेडरेशन में आएँ, फॉर्म भरें। आप हमारे बोनाफाइड मेंबर हैं, जो सुविधा हम अपने मेंबरों को, टेक्नीशियन को, आर्टिस्ट को देते हैं, सेम अधिकार से आपको भी फ्लैट मिल सकता है। मिनिमम पैसे में आपको खूबसूरत घर, एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी अपना कम्प्लेक्स बना रहे हैं, टाउनशिप बन रहा है यहाँ पर, कि मार्केट होंगे, मॉल होंगे और स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होगा। 50,000 घर का प्लान है, जिसमें सरकार ने मुझे भी 10,080 घर पास करके दिया है। तो जिसके पास घर ना हो उसकी क्राइटेरिया यही है कि आपके पास मुंबई में घर नहीं होना चाहिए, गांव में है तो गांव से तो सारे आए हुए हैं, उसका घर होगा, मगर मुंबई में आपके पास घर, पक्का घर नहीं होना चाहिए, झोपड़े हैं तो भी चलेगा। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख रुपए की वो छूट मिलती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है अमृत योजना के तहत भी आपको छूट देती है। नागपुर वेलफेयर जो है 1-1.5 लाख रुपए की सुविधा देता है। इस तरह से काफ़ी पैसे आपको बच जाते हैं, तो 7.5-8 लाख में आपको एक खूबसूरत घर आपका आसियाना बनेगा, 1 BHK का, 23 माले की बिल्डिंग होगी। सिवाय उसमें अच्छाइयों के और कुछ नहीं है। टोटल चाबी मिलने तक आपके पास से 50,000 रुपये जाने हैं, बाकी बैंक जो है मिनिमम इंस्टॉलमेंट करके 5,000-6,000 करके आपको पेमेंट लेती रहेगी। वो सब काम कराने का काम जो है फेडरेशन करेगी, बिल्डर करेगा। हमने 253 एकड़ ज़मीन लेकर रखी है, आप सबके लिए सबका स्वागत है। आएँ, फॉर्म भरें, और उसमें फॉर्म भरने की कोई कीमत नहीं है। जब वेरिफिकेशन होगा तो 1100 रुपया लगेगा, वेरिफिकेशन आपका सक्सेस हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है तो प्रधानमंत्री के लोग जो हैं, जो यहाँ नियुक्त किए जाएंगे, वो आपको एक बार देखना चाहेंगे कि आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी तो नहीं है। यदि उसमें आप सही निकले तो 10,000 रुपया आपसे लिया जाएगा और आपको फिर आगे चाबी मिलने तक आपसे कोई संवाद नहीं होगा। आप आएँ, देखें। 30 तारीख को हमारा मॉडल रूम, जिसको हमने 11 मार्च को ओपनिंग किया था, वो 30 अप्रैल तक बन करके तैयार हो जाएगा, 1 BHK, जिसको आप जाकर देख सकते हैं कि घर कितना बड़ा है, रहने लायक है, लेने लायक है, नहीं है। उसके उद्घाटन के लिए सलमान खान से हम बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी इनवाइट करेंगे। हमारी ख्वाहिश तो बहुत है, क्योंकि पहली बार सीनियर वर्कर्स के लिए घर मिल रहा है और हम उसके वन ऑफ द पार्ट हैं, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट है। हम भी एक बड़ी इमारत के एक छोटी सी ईंट हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करें और उसमें आएँ। सर, हमारे कैमरामैन पूछ रहे हैं कौन सी जगह है ये? ये करजत से पहले है, सेलू स्टेशन है, यहाँ से कार से जाएंगे तो 2 घंटा, घाटकोपर से 1 घंटे के अंदर आप ट्रेन से पहुँच जाएंगे। करजत स्टेशन के ठीक सामने आप उतर करके हमारी प्रॉपर्टी है, एक तरफ टाटा की है, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है और बीच में हमारी जगह है, रोड से लगी हुई। एक लाइन में अगर बात करें, जो घर है वो लोन पे दिया जाएगा, ये एक अमाउंट पे दिया जाएगा, ये बात कंफ्यूजन है। ये कम लोन पे देंगे या फिर पूरा फ्री रहेगा? ये फ्री की तरह होगा मगर फ्री नहीं होगा। कितना? 1 BHK आपको 7-8 लाख के बीच में मिलेगा, देना आपको सिर्फ 50,000 ही है, बाकी इंस्टॉलमेंट आपका बन जाएगा, वो आपको 7-8 रहेगा। जी मैम। ओके, कीरत जी, आप क्या कहना चाहेंगे, नारी सम्मान कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? जितने भी हम यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, कल्पना चावला जी, इंदिरा गांधी जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, आप सभी ने मुझे यहाँ पे बोलने का जो मौका दिया है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक नारी के लिए,
और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिस्टर तिवारी सर जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इन्होंने मुझे अवार्ड दिया कि मैं आने वाले टाइम में एक सुपरस्टार बनूं, इंडस्ट्री में एक अच्छा काम करूं, अपनी एक पहचान बनाऊं। और मिस्टर आर्यन जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, एग्नेस मैम का। सो आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये दिन है सिर्फ एक सिटी में नहीं मनाना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाना चाहिए, ताकि जहाँ पे सभी नारी को आगे आने का मौका मिले, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। क्योंकि इससे क्या है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि पूरा समाज, पूरे समाज के लोग हमारे साथ हैं, ताकि हम कुछ करके दिखाएँ अपने। सो बस मैं आप सभी का यही धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। Congrats.